तारीख 2 दिसंबर 1984, जगह भोपाल। ऐसा कुछ हुआ जिसका असर आज 2024 यानी 40 साल के बाद भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल में, जहां पर आपको दिखाएंगे कि कैसे 40 साल बाद क्या जो हुआ उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। उस वक्त जो गैसेस निकली, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, उसके बाद जो बच्चे, जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन के लोगों ने सफ़र किया है, वो आज भी यहाँ देखने को मिलता है। आइए बात कराते हैं और जानकारी देते हैं इस मुद्दे पर। ये आज जो कुछ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो अपील हो रही है, क्या पूरा मुद्दा है बताइए। ये 2 दिसंबर 84 को गैस निकली थी यूनियन कार्बाइड की, उसके जहरों से पीड़ित जो विकलांग बच्चे दोबारा दूसरी और तीसरी पीढ़ी में पैदा हो रहे हैं, उन्होंने आज उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है जो उस दिन रात में और दिन में ख़त्म हो गए थे। और दुनिया से ये कहा है कि हम जैसे लोग दुनिया में जो आए हैं, वो हमारे कुदरत ने नहीं किया, हमें एक कंपनी के जहरों की वजह से हम दुनिया में विकलांग पैदा हुए हैं। कहीं और भोपाल ना हो, कहीं और इस तरह के हम जैसे बच्चे पैदा ना हो, ये बात रखते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि दी है आज। सरकार से क्या कुछ चाहती है? सरकार को की जिम्मेदारी तो पूरी बनती है, जो आज चिंगारी कर रही है वो सरकार को करना चाहिए था। चिंगारी बहुत छोटे पैमाने पर कर रही है, सरकार बहुत बड़े पैमाने पर इनके साथ कर सकती है। एक बड़ा सा पुनर्वास केंद्र बनाए, इनके लिए हर महीने कम से कम 3,000 की पेंशन मिलना चाहिए, और जब ये बड़े होते हैं तो इनके इलाज, इनका रोज़गार, इनका पुनर्वास होना चाहिए। और ये कर सकते हैं, ये ठीक हो सकते हैं, अगर थोड़े हाथ बढ़ाए जाएँ तो ये अपनी इज्जत की ज़िंदगी जी सकते हैं। इनका हक है, दुनिया में आए हैं तो इनका अधिकार इन्हें मिलना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इन बच्चों की जिम्मेदारी लो और इनको जीने का अधिकार दो। मैम, कितने कुछ डिसेबल्ड लोग आपके पास रजिस्टर्ड होंगे, क्या कुछ नंबर होगा इनका? हमारे पास 1350 बच्चे हैं जो अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और वो भी बहुत छोटे बच्चों का ले रहे हैं। हम एक दिन से 12 साल तक का बच्चा लेते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं जो विकलांग उस दिन से आज तक हुए हैं। आपका जो ट्रस्ट है, इसमें जो डोनेशन वगैरह है, इसके लिए सरकार ने आज तक कोई हेल्प की है? आज तक एक नए पैसे की हेल्प नहीं की है। हम लोगों को अवार्ड मिला था, दीदी को और हमें दोनों को 58 लाख रुपए, वो उस की शुरुआत की थी। और भोपाल मेडिकल अपील है जो हमारी मदद करता है और इन बच्चों को पुनर्वास मिल रहा है। बाकी सरकार की तरफ से तो एक नया पैसा नया आज तक नहीं मिला। और हम 2 एकड़ ज़मीन मांग रहे हैं कि हमें थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए ताकि इन बच्चों को हम पूरी तरह से बुलाएँ, तो वो भी अभी तक हमें ज़मीन भी मुहैया नहीं कराई गई है। मैम, सरकार से आपकी क्या कुछ अपील है? सरकार से यही मांगे कि, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत सारा मैंने फंड है, उनके पास बहुत पैसा है, ज़मीन है और बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन हम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के पास सीमित वो है जिसमें हम सीमित बच्चों के लिए कर रहे हैं। आज हमारे पास 1350 बच्चे हैं, लेकिन 300 बच्चों का मुश्किल से कर पा रहे हैं। सरकार के पास ज़्यादा है, उसमें बहुत सारे बच्चों का कर सकते हैं, एक बड़ा सा पुनर्वास बना के उन बच्चों का इलाज कर सकते हैं। मैम, इससे पहले प्रशासन से आपने कभी कोई मांग की है? हम लोगों ने समय समय पर कई बार मेमोरेंडम दिया है बच्चों को लेके, यहाँ तक कि बाबूलाल गौर थे जो गैस मंत्री, उनके पास गए, ये आरिफ अकील साहब थे, इनके पास गए, लेकिन किसी ने भी मैंने हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। मैम, चिंगारी ट्रस्ट शुरू करने के पीछे का क्या मोटिव रहा, क्या कहानी रही? चिंगारी ट्रस्ट चालू करने के पीछे ये था क्योंकि हमारे घर में भी एक डिसेबल बच्ची पैदा हुई थी, पापा के यहाँ पे भी एक बच्चा पैदा हुआ था जो डिसेबल था। तो हम लोगों को जब एक अवार्ड मिला अमेरिका में, तो हम लोगों ने सोचा कि अपन तो जैसे ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, जी रहे हम लोग, लेकिन अगर ये पैसा अपन को मिल रहा है तो एक बच्चों के लिए, भोपाल में जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए एक जीवन दान होगा, जो हम ये पैसा डाल के उन्हें चिंगारी ट्रस्ट बनाएंगे और उन बच्चों का पुनर्वास करेंगे, इससे हमें एक नई ज़िंदगी मिली। कल भोपाल गैस ट्रेजेडी को 3 दिसंबर को 40 साल पूरे होने जा रहे, क्या आपको लगता है कि सरकार को जितना कुछ करना चाहिए था उन्होंने कुछ किया है इस मुद्दे को? आज तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया है इन मुद्दों पर। समय समय पर सब गैस पीड़ित रैली लेके गए हैं, अपनी जान लगाई है उन्होंने, हर तरह से मांग की है सरकार से कि हम लोगों का पुनर्वास किया जाए, हमें इलाज दिया जाए, हमें सही से हमें मुआवजा दिया जाए, रोज़गार दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि परिवार के परिवार बिगड़ हो गए, हमारे भी 3 बेटे थे, 3 बेटे ख़त्म हो गए, हस्बैंड ख़त्म हो गए, आज एक बच्ची कैंसर पीड़ित थे जो जिसके लिए हम इतने परेशान हैं अभी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी 3 तारीख को 3 दिसंबर 2000
24 का वक्त आ गया है, 40 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं है। लोग अभी भी जब इस चीज़ को याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो रही हैं, लोग उस चीज़ को सोचकर सहम जा रहे हैं। आइए बात कराते हैं कुछ ऐसे ही बच्चों के परिजनों से और बताते हैं आपको कि क्या कुछ उन पर बीत रही है। मैम आपका नाम? हमारा नाम शमा। मैम बच्ची का क्या नाम है? ज़हरा। क्या कुछ परेशानी है? ये बस बैठती नहीं है, खाती नहीं है, अपने आप को जैसे उठ नहीं पाती हैं, उठने की कोशिश करती हैं पर उठ नहीं पाती हैं। ये वो बैठती भी नहीं है, खड़े भी नहीं होते बनता है इनसे। वो बस सिंगारी का इनको ले जाते हैं, लाते हैं, वहीं का इनका वो चल रहा है ट्रीटमेंट और गोरी मैम का चल रहा है, दवा देती हैं वो वहीं से, हमें चिंगारी से ही दवा मिलती है। चिंगारी ने क्या कुछ हेल्प किया मैम इस मामले में आपकी? बस यही हेल्प है कि वहाँ से हमें दवा मिलती है और इनकी एक्सरसाइज होती है। सरकारी अस्पतालों से कोई मदद? नहीं, कोई मदद नहीं है, बस गोरी मैम से को दिखाया था तो वहाँ से दवा मिलती है हमें चिंगारी से इनकी, और बाकी के सरकारी हॉस्पिटलों से कोई मदद नहीं है। क्या उम्र होगी मैम बच्चे की? 3.5 साल। तो 3.5 साल की बच्ची है ना, उठती है ना बैठती है, चलती भी नहीं है? चलती है, कुछ भी नहीं करते बनता, खाते भी नहीं बनता, कुछ मांगती भी नहीं है, भूख लगती है तो रोती भी नहीं है, अपने मर्जी से ही अपन दे दो उनको तो ले लेती हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम नौशीन खान है। और आप क्या ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं बताइए? मैं चिंगारी ट्रस्ट में पिछले 14 सालों से एज ए स्पीच थेरेपिस्ट वहाँ पर कार्यरत हूँ, और हमारे यहाँ लगभग अभी 1300 से अधिक बच्चे जो हैं वो गंभीर विकलांगताओं से ग्रसित हैं और रजिस्टर्ड हैं, जिसमें सर्बल पॉलिसी, बौद्धिक विकलांगता, डाउन सिंड्रोम, सीजर डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन, हेयरिंग इम्पेयर्ड और अन्य जो विकलांगता है उनसे ग्रसित बच्चे आते हैं। लेकिन चिंगारी जो है उसके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, जिससे कि हम लोग सिर्फ 300 बच्चों तक ही अपनी जो सेवाएं हैं वो दे पाते हैं। चिंगारी ट्रस्ट में फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विशेष शिक्षा, खेलकूद, संगीत गायन, एक वक्त का आहार और उन्हें घर से लाने ले जाने की सुविधा उपलब्ध है। ये सारी सुविधाएं सिर्फ हम 300 बच्चों तक ही पहुंचा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है एक सीमित स्रोत है सुविधाओं का, और जिसमें से हमारे पास रोज़ाना कम से कम लगभग 200 बच्चे आते हैं जिन्हें ये सारी सुविधाएं हम देते हैं रोज़ाना। हमारे पास बहुत छोटे, अगर हम पिछले 3 सालों के आंकड़े पर नज़र डालें चिंगारी के, तो हमने 197 बच्चों का पंजीयन किया है जो कि बिना किसी सर्वे के किया है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो आधे से अधिक बच्चे जो हैं वो 0 से 3 ईयर्स की उम्र के हैं। चलते हैं कि तीसरी पीढ़ी में आज भी 40 साल होने के बाद भी बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं जो कि गंभीर विकलांगताओं के साथ हमारे पास आते हैं, और हम ये सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, सरकार से ये हमारी एक मांग है कि सरकार इन बच्चों की जिम्मेदारी ले। चिंगारी एक छोटा सा उदाहरण पेश कर सकती है, सिर्फ चिंगारी आम लोगों के दान पर चलती है, चिंगारी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन सारे बच्चों को लेकर इनके पुनर्वास का इलाज का काम कर सके। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं, जो कि इन बच्चों का हक है, इन्हें इलाज, पुनर्वास, सही ज़िंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए, और सरकार इनके साथ कर सकती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर विकलांगता सर्टिफिकेट की बात की जाए तो एक बच्चे को इतनी दूर जाना पड़ता है कि माँ बाप जो हैं वो मजदूर हैं, बहुत छोटे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे से आते हैं, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ऑटो करके इतनी दूर जा सकें और बच्चे का विकलांग सर्टिफिकेट बनवा सकें, और ये एक दिन में भी नहीं बनता है। बच्चे को 2-3 बार परेशान करते हैं, 2-3 बार बुलाते हैं, तो क्या होता है कि फिर माँ बाप सोचते हैं कि हमें इतनी बार जाना पड़ा, इतने पैसे खर्चा करना पड़ा, तो वो जाना भी नहीं चाहते हैं। तो बहुत सारी ये चीज़ें हो जाती हैं, और कुछ सुविधाएँ ऐसी कि कुछ हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं वो इतनी दूर हैं कि वहाँ जाने के लिए रोज़ाना उनको 500 से 600 रुपये चाहिए। सोचिए, जो एक गरीब इंसान, जहाँ माँ मजदूरी कर रही है, बाप मजदूरी कर रहा है, उनको खाने के 2 वक्त के लाले पड़े हुए हैं, वो इन बच्चों के इलाज के लिए कहाँ से सोच पाएंगे। प्रशासन से आपने आज तक कोई गुहार लगाई है जिसका आपको कोई रिप्लाई वगैरह मिला हो? बिल्कुल, हमने सरकार से कहा है कि हमें एक जगह दे दें, हमें जो हम काम कर रहे हैं उसी के लिए हमें कुछ पैसे दे दें, हमें कुछ ऐसे जो सुविधाएं हम जो करना चाहते हैं, हमें उसके पूरा प्रपोजल बना हुआ है, हमें एक जगह तक नहीं दे पाई है सरकार। हमें एक जगह दे दे, हमें एक बिल्डिंग दे दे, हमें इतना दे दे कि हम और जो बच्चे हमारे पास हैं हम उन तक ये सारी सुविधाएँ पहुँचा सकें। तो देखा आप लोग ने कि कैसे 40 साल होने को आए हैं और चिंगारी ट्रस्ट जो है वो डिसेबल्ड बच्चे जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के कारण डिसेबल हो रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए ट्रस्ट चला रहे हैं, लेकिन आज भी उनको कोई हेल्प सरकार की तरफ से नहीं मिली है। मैं हूँ नेशन मिरर के लिए मुस्कान अग्रवाल, कैमरामैन गौरव के साथ।